हेलो गाइज, मैं सुनील पारिक हर्षित चौधरी के साथ टी सीरीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज का अपना जो पॉइंट रहेगा वो डीसी जनरेटर चल रहा था, उसके अंदर अपने बात की थी योग के बारे में, यानी कि डीसी जनरेटर के अंदर अपने सबसे पहले भागों के बारे में बात कर रहे थे, यानी भागों के अंदर अपने बात कर ली योग की, यानी कि अपने पास एक क्या होता है डीसी जनरेटर, ये इसकी क्या होती है बॉडी, बॉडी भी बोलते हैं, योग भी बोलते हैं, इसके अलावा इसको हिंदी में क्या कहते हैं, काय, क्या बोलते हैं, काय, ठीक है। इसके बारे में अपने बात कर ली। इसके बाद में इसके अंदर क्या आता है, पोल, यानी कि डीसी जनित्र के अंदर इसके बाद में आता है क्या अपने पास, पोल, एनओरएस पोल, ठीक है। तो अब इस वीडियो में अपन जो बात करेंगे वो करेंगे सबसे पहले पोल के बारे में, पोल क्या होते हैं। तो देखिए, पोल फील्ड, पोल, ठीक है, इसको अपने क्षेत्र, ध्रुव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षेत्र, ध्रुव। तो देखिए, अपने पास जो भी डीसी जनित्र होता है, ये मेरे पास क्या एक है डीसी जनित्र, इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या होते हैं, पोल, ठीक है, ये क्या है मेरे पास, पोल। पोल कभी भी इस प्रकार स्ट्रेट नहीं बनाए जाते, पोल आगे से किस प्रकार बनाए जाते हैं, इस प्रकार अर्धचंद्राकार, ठीक है, इधर से भी इस प्रकार आपके पोल बनाए जाते हैं, यानी कि अर्धचंद्राकार, क्योंकि पोल कभी स्ट्रेट नहीं बनाए जाते, पोल किस प्रकार के बनाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार, ठीक है। अब अर्धचंद्राकार बनाने का फायदा क्या हुआ, सबसे पहले अपन बात करते हैं अर्धचंद्राकार ही क्यों बनाई, स्ट्रेट क्यों नहीं बनाई। सबसे पहला काम तो हो गया इसका ये कि अर्धचंद्राकार बनाने से आपके जो फील्ड वाइंडिंग होगी, ये वाली वाइंडिंग इधर होगी, जो वाइंडिंग आपकी वो बाहर नहीं निकले, यानी कि ये मान लीजिए मेरे पास मार्कर, मार्कर के ऊपर अगर मैं वाइंडिंग करता हूँ, क्या करता हूँ वाइंडिंग, तो यहाँ पे अगर मैं कोई आगे चीज़ नहीं लगाऊंगा तो ये वाइंडिंग कहाँ पे निकल जाएगी, बाहर की तरफ, ठीक है। तो इसलिए आगे से क्या कर दिया, पुल को थोड़ा बड़ा बना दिया, क्या बना दिया, थोड़ा बड़ा, ताकि वाइंडिंग बाहर नहीं निकले। अब दूसरी बात, अगर आप पोल सीधे होते किस प्रकार, इस प्रकार, तो आपका जो मैग्नेटिक जो फील्ड होता वो बराबर फैल नहीं पाता, बराबर नहीं फैल पाता, और कम दूरी पर फैलता वो भी, मतलब एक तो बराबर नहीं फैलता और फैलता कितनी दूरी पर, कम दूरी पर। तो मैं जब इसको अर्धचंद्राकार बना दूँ, इस प्रकार, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक एकदम समरूप, यानी समान समान रूप से पूरी जगह फैल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपका जो मैग्नेटिक जो फील्ड है, यानी चुंबकीय बल रेखाएं, वो बराबर दूरी पर और ज़्यादा दूरी पर फैलेंगी, यानी एक समान फैलेंगी, यहाँ पर जितनी बल रेखाएं वो भी यहाँ पर रहेंगी, वो यहाँ पर रहेंगी, यानी एक समान, यानी एक तो बात होगी जो बल रेखाएं हैं, बल रेखाएं एक समान या एक समरूप फैलेंगी। दूसरी बात, ये आगे से जब इसको बड़ा बनाया तो इसकी जो वाइंडिंग होती है यहाँ पर, ये वाइंडिंग बाहर नहीं निकल पाएगी, इधर की तरफ खिसकी ही नहीं है, मतलब बाहर नहीं निकलेगी, वाइंडिंग एक जगह क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। तो इसकी जो वाइंडिंग है इसको नियंत्रण करना, वाइंडिंग को ये जगह बनाए रखना, ठीक है, यानी कि ये दो काम किसके हैं, बड़ा बनाने के और अर्धचंद्राकार बनाने के, ठीक है। अब बात करें पोल बनाए किसके जाते हैं, तो अगर पोल किसके बनाए जाते हैं, इसकी अगर बात आई अपने पास, तो पोल दो धातुओं से बनाए जाते हैं, जिस प्रकार आपकी जो बॉडी होती है, यानी काय या योग जो होती है आपकी, वो जिसकी बनाई जाती है उसी के क्या बनाए जाते हैं, पोल, यानी कि कास्ट स्टील और कास्ट है आयरन, कास्ट है आयरन, ठीक है। कास्ट आयरन तो बनाई छोटी मशीनों में, छोटी जो मशीनें होती हैं उनके अंदर अपन कास्ट आयरन की क्या बनाएंगे, पोल बनाएंगे, ठीक है, पोल और पोल शू कास्ट स्टील के अपन बड़ी मशीनों में बनाएंगे, जिस प्रकार अपनी जो बॉडी बनाई जाती है बड़ी मशीनों में कास्ट स्टील की बनाई जाती है, उसी प्रकार बड़ी मशीनों में जो पोल और पोल शू जो बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, कास्ट स्टील के, और छोटी मशीनों में कास्ट आयरन के, ठीक है। अब बात करते हैं पोल, पोल क्या होते हैं, पोल शू क्या होते हैं, यानी कि एक जो पूरा पोल जो आपका होता है इस प्रकार, ये क्या होता है, पूरा पोल होता है, ठीक है। इसके अंदर आगे वाला जो भाग होता है, आगे वाला भाग, इसको तो बोलते हैं पोल शू, क्या बोलते हैं, पोल शू, ठीक है। और ये जो पीछे वाला जो ये वाला जो भाग होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पोल कोर,
क्या बोलते हैं, पोल कोर। ठीक है, आगे वाले भाग को पोल शू और पीछे वाले भाग को पोल कोर बोलते हैं अपन। ठीक है, अब देखिए जो ये पोल शू और पोल कोर होते हैं आपके बुध नेत्र के अंदर कहाँ पे लगते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर इस प्रकार इसको लगा दिया जाता है इस प्रकार। ठीक है, अब इसको लगाने के दो तरीके होते हैं अपने पास, कितने तरीके होते हैं, दो तरीके। अब दो तरीके कौन कौन से, या तो मैं क्या करूं इस इन दोनों भागों को अलग अलग ले लूं, यानी कि एक तो भाग ले लिया मैंने ये वाला पोल कोर वाला, ये ले लिया मैंने पोल शू वाला, ये अलग लगा दूं और ये उसके ऊपर लगा दूं, एक तो तरीका हो गया ये, यानी कि ये लगाकर ये वाला जो आपके आगे वाला शू है ये इसके में जोड़ दूं, एक तो तरीका मेरे पास ये, या एक दूसरा जो तरीका मेरे पास क्या है, इन दोनों को पहले से जुड़े हुए हैं इसको पूरे को मैं इसके अंदर लगा दूं, दूसरा तरीका क्या है ये वाला। अभी दोनों तरीकों में से कोई भी अपन तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर अपन बात करें इसी आधार पर इन जो फील्ड पोल, इनको दो भागों में बांटा गया है, कितने भागों में, दो भागों में, एक तो होता है अपने पास मोल्डेड पोल, कौन सा भाग होता है मोल्डेड पोल, और दूसरा जो भाग होता है अपने पास होता है सुसहित लेमिनेटेड पोल। यानी कि जो भी मैंने आपको बताया कि अगर मैं अलग अलग भाग लेता हूँ या मैं दोनों साथ में लेता हूँ, इसी आधार पे जनित्र के जो पोल होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, मोल्डेड पोल और सुसहित लेमिनेटेड पोल। अब सुसहित कौन सा होगा और मोल्डेड कौन सा होगा, अगर उनके बारे में अपन बात करें तो अपने पास आता है एक तो इस प्रकार, यानी कि मैंने साथ में ले लिया इन दोनों को, ये जुड़े हुए ले लिए मैंने, ये पहले से क्या यहाँ पे वेल्डिंग किए हुए हैं, क्या वेल्ड है, वेल्ड वेल्ड बोलते वेल्डिंग किए हुए, वेल्डिंग सभी समझते हैं कि दोनों को पहले से चिपकाया हुआ है, इस पूरे भाग को मैंने क्या ले लिया, साथ में ले लिया, ये पूरा भाग मैं यहाँ से उठाकर यहाँ पर लगा दूंगा। ठीक है, ये तो हो गया मेरे पास सुसहित लेमिनेटेड पोल। ठीक है, अगर इन दोनों को मैं अलग अलग लेता हूँ, यानी ये वाला भाग अलग लिया और ये वाला भाग मैंने अलग लिया, तो वो मेरे पास पोल कौन सा हो गया, मोल्डेड पोल। ठीक है, अगर मैं जब भी इनके दोनों के भाग अलग अलग लेता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मान लीजिए इधर वाला भाग, एक बार मान लीजिए मेरे पास क्या एक जनित्र, इसके अंदर ये जो पीछे वाली जो कोर है वो पहले से लगी हुई मिलेगी, क्या मिलेगी, पीछे वाली कोर लगी हुई मुझे मिलेगी पहले, और इसके ऊपर वाइंडिंग में यहाँ पे वाइंडिंग करूँगा, वाइंडिंग करने के बाद ये आगे वाला जो शू है इस प्रकार का वो लेके आऊँगा, इसको उठा के यहाँ पे क्या कर दूंगा, नट बोल्ट के माध्यम से लगा दूंगा, तो आपका क्या बन गया, पूरा पोल। अगर आपके पास मोल्डेड पोल है, यानी इस प्रकार पूरा पोल है, इसको मैं पूरे को उठाऊंगा, यहाँ पे वाइंडिंग करूँगा, पहले वाइंडिंग करने के बाद यहाँ पे बाहर से नट बोल्ट के माध्यम से लगा दूंगा, बाहर से नट कैसे जाएंगे, किसके अंदर, इसके अंदर, और इसके अंदर पहले से पोल वेल्ड किया हुआ होगा, अंदर वेल्ड का मतलब वेल्डिंग किया हुआ होगा, उसको अपन खोल नहीं सकते, और ये ऊपर वाला भाग में अंदर से नट बोल्ट के माध्यम से लगा दूंगा। ये दो तरीके होते हैं मैं पोल लगाने के। ठीक है, पोल हो गए, पोल का कार्य पता लग गया, यानी बल रेखाओं का एक समरूप फैलाने का काम कौन करता है, पोल, और यानी कि ये जो पूरा पोल होता है इसका काम होता है एक तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं आपकी उनको फैलाने का काम करता है, और वहाँ पे पोल स्थापित करने का काम भी कौन करता है, ये वाला। और अगर इसके ऊपर अपन वाइंडिंग नहीं करेंगे तो ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि आपको पता है सभी को फैराडे के नियमानुसार वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, वो भी कौन सा, अस्थायी वाला। अस्थायी वाला बनाने के लिए मुझे यहाँ पर वाइंडिंग करनी पड़ेगी, और इसको पोल लगा के क्या करनी पड़ेगी, वाइंडिंग, और उसके अंदर क्या देनी पड़ेगी मुझे, डीसी सप्लाई। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में और भी बात करते हैं अपन, कि अपने पास जो भी डीसी जनित्र जो होता है अपने पास, इसके अंदर अपन दो प्रकार से पोल स्थापित कर सकते हैं, ये तो मैंने बता दिया इन फील्ड पोल के प्रकार, अपन दो प्रकार से क्या स्थापित कर सकते हैं पोल, कि कौन कौन से, तो होते हैं अस्थायी वाले, अस्थायी चुंबक वाले, अस्थायी चुंबक वाले, जो अस्थायी चुंबक वाले की अगर बात की जाए, जैसे अपने पास मान लीजिए डायनमो है, क्या है, डायनमो, डायनमो के अंदर अपन अस्थायी चुंबक का प्रयोग करते हैं, यानी कि वहाँ पे अस्थायी पहले से चुंबक लगा देते हैं, वहाँ पर वाइंडिंग करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती। अगर वाइंडिंग करने वाली बात की जाए तो वाइंडिंग उनको क्या बोलते हैं अपन, अस्थायी चुंबक वाले, अस्थायी चुंबक वाले फील्ड पोल, चुंबक वाले फील्ड पोल। ठीक है, और अस्थायी चुंबक वाले की ये वाले जो भाग होते हैं वो किसके भाग होते हैं, अस्थायी वाले के। ठीक है,
तो आपको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ पूरा। तो आपका ये इस वीडियो के अंदर अपन फील्ड पोल के ही बारे में बात करेंगे, और अगले वाले वीडियो में अपन जैसे कम्यूटेटर हो गया, इसके अलावा आपका आर्मेचर वगैरह हो गया, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो इसके अंदर अपन सिर्फ फील्ड पोल के बारे में बात करेंगे, और फील्ड पोल के एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि फील्ड पोल आपके सामने दो ही प्रकार के होते हैं, स्थायी वाले और अस्थायी वाले। अस्थायी वाले छोटे जनित्रों में प्रयोग करते हैं जैसे डायनमो, और अस्थायी वाले पोल बड़े जनित्रों में प्रयोग करते हैं जैसे अपने बड़े बड़े जो जनित्र हो गए, या कोई मान लो फैक्ट्री वर्कशॉप को अपन सप्लाई दे रहे हैं, वहाँ पर जो जनित्र प्रयोग किए जाते हैं वहाँ पर कौन से करेंगे? अस्थायी चुंबक वाले फील्ड पोल। अस्थायी चुंबक वाले फील्ड पोल दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? मोल्डेड पोल और सुसहित लेमिनेटेड पोल। और मोल्डेड पोल की बात की जाए तो ये बनाए जाते हैं कास्ट आयरन के। किसके बनाए जाते हैं? कास्ट आयरन के। ये बड़े घरों में छोटे जनित्रों में कौन से पोल प्रयोग करेंगे? कास्ट आयरन वाले, ठीक है। और सुसहित लेमिनेटेड पोल जो आपके हैं वो बनाए जाते हैं कास्ट स्टील के। इसको अपन एनील्ड स्टील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनील्ड स्टील या माइल्ड स्टील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइल्ड स्टील। तो सुसहित लेमिनेटेड पोल कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं, बड़ी मशीनों में प्रयोग करते हैं। एनील्ड स्टील या माइल्ड स्टील भी कास्ट स्टील को बोला जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा पोलों की अगर संख्या की बात की जाए, यानी पोल अगर संख्या की बात करें भाई, कितने पोल बना सकते हैं अपना अधिकतम, तो अपना अधिकतम जो पोल बना सकते हैं वो उनकी संख्या कितनी होती है अपने पास? 8। हाँ, इससे ज़्यादा भी अपन बना सकते हैं, और अपन ज़्यादा बनाते हैं तो उस मशीन की क्षमता यानी कैपेसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। कैपेसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इसलिए अपन 8 से ज़्यादा पोल नहीं बनाते हैं। 8 तक तो ठीक रहेगा, 8 के बाद और ज़्यादा घटेगी। 8 तक तो कम घटेगी, 8 के बाद और ज़्यादा घटेगी। तो सबसे ज़्यादा अधिक क्षमता वाली मशीन में कितने पोल बनाए जा सकते हैं? 2। और जैसे 2 से अगर ज़्यादा बढ़ते हैं, 2 से 4 हो गए, 4 से 6 हो गए, इस प्रकार जो पोल बनाए जाते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनकी जो कैपेसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है? घटने लग जाती है। इसलिए पोल अधिकतम 8 बनाए जा सकते हैं और न्यूनतम 2, क्योंकि एन और एस तो अकेला एन काम नहीं करेगा, अकेला एस काम नहीं करेगा। तो कम से कम पोल कितने हो सकते हैं? 2, और अधिकतम से अधिकतम 8, ठीक है। और इनका काम मैंने बता ही दिया, बल रेखाएं एक समरूप फैलने लगती हैं इनके माध्यम से। और ये नहीं होंगे तो आपकी जो बल रेखाएं हैं वो कम दूरी पे फैलेंगी परंतु एक समान नहीं फैलेंगी। परंतु अगर अपन यहाँ पे इस प्रकार पोल सु लगा दें, या पोल लगा दें और साथ में क्या लगा दें? पोल सु। तो इनके माध्यम से बल रेखाएं क्या होंगी? ज़्यादा दूरी पर फैलेंगी, यानी दुगने दुगने पर क्या फैलेंगे? दुगने पर, और एक समान फैलेंगी। इसका जो आकार होता है वो क्या रखा जाता है? इसके अपेक्षा दुगुना रखा जाता है। ये मान लीजिए अगर आपके पास 1 सेमी का है तो इसका जो आकार होगा वो कितना होगा? 2 सेमी। यानी कि पोल सू का पोल कोर की अपेक्षा दुगुना साइज होता है लंबाई में, ठीक है। और दूसरा जो काम होता है इसका क्या होता है? वाइंडिंग को एक जगह बनाए रखना। यानी कि अगर मैं किसी सीधी चीज़ पे वाइंडिंग करता हूँ तो वाइंडिंग बाहर निकलने लग जाएगी। आगे अगर मैं उसके कोई सपोर्ट लगा दूँ तो वो वाइंडिंग बाहर नहीं निकली। तो ये मैंने क्या किया, एक प्रकार से सपोर्ट ही लगाया ताकि वाइंडिंग बाहर नहीं निकले, ठीक है। तो ये था अपना फील्ड पोल। तो ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज़।